10 दिन बाद हम पर अटैक होने वाला है। चाइना भी उनके साथ है तो ये अटैक तो दो तरफा होगा। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच में फिर से एक न्यू मूवी आ चुका है जिसका टाइटल है IB71। तो कैसे मूवी पतंगे आगे, इसलिए रिव्यू को फुल देखना। वर्स वाइड तो कैसे आप सभी, मैं हूँ साहिल और आप सबको स्वागत है हमारे चैनल टॉप ऑफ साहिल पे। और आज हमने इधर रिव्यू करने वाले बॉलीवुड का थ्रिलर ड्रामा मूवी IB71 की। यानी कि IB71 एक स्पेशली स्पाई थ्रिलर मूवी है जिसके लीड रोल पे है विद्युत जामवाल और वो खुद ही इस मूवी को भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। सबसे पहले तो बता दो तुम लोगों को IB71 का मतलब है इंटेलिजेंस ब्यूरो 71। हाँ तो बिना कुछ बकचोदी के, बिना स्पॉइलर इस मूवी का रिव्यू करते। अगर एक लाइन में इस मूवी को डिस्क्राइब करूँ तो ये है वन टाइम वॉच मूवी। तो क्यों, तो इसके भी ज़्यादा ही नेगेटिव पॉइंट और पॉजिटिव पॉइंट है। तो शुरू करते हैं पॉजिटिव पॉइंट से। मुझे मूवी अच्छा लगने का एक कारण तो ये है कि इस मूवी से मैं जीरो एक्सपेक्टेशन कर रहा था, क्योंकि पाकिस्तान वर्सेज इंडिया में पहले भी इतना ज़्यादा मूवी बन चुके हैं कि अगर मैं इधर लिस्ट दिखा दूँ तो वीडियो इतना ज़्यादा लंबा बनेगी कि बात ही बात करो। तो इसलिए मैं इस मूवी से जीरो एक्सपेक्टेशन लेके गया था। इस मूवी ने मेरे एक्सपेक्टेशन को तो फुलफिल किया है और तुम लोगों का भी करेगा अगर तुम लोग थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन लेके जाओगे। तो मेरे सेकेंड पॉजिटिव चीज़ है, इस मूवी में ना तो कोई आइटम सॉन्ग है ना तो कोई फालतू सॉन्ग है, यानी कि बस एक की सॉन्ग है और वो भी अच्छा है, बल्कि वो रोमांटिक सॉन्ग दे नहीं। अगर तुम लोगों को रोमांटिक मूवी देखना है तो इस मूवी से तो दूर रहना, क्योंकि इस मूवी में गाना छोड़ो एक हीरोइन तक नहीं है। तो मेरा तीसरा पॉजिटिव चीज़ है इस मूवी की स्टार कास्ट की एक्टिंग, यानी कि विद्युत जामवाल, अनुपम खेर और सबसे अच्छा मेरे को लगा विशाल की, यानी कि क्या एक्टिंग कर रहा है वो बंदा। मैं लिख के बता दूंगा तुम लोगों को, ये एक्टर बॉलीवुड पे बहुत नाम कमाएगा। हाँ दोस्तों, इसकी एक्टिंग देख के तुम लोग भी यार 2 मिनट तक तुम लोग विद्युत को ही बोल जाओगे, यानी कि उतना बड़ी एक्टिंग किया इसने। लास्ट पॉजिटिव चीज़ है इस मूवी का थ्रिलर सेंस। हाँ दोस्तों, फर्स्ट हार्ट में तो उतना कुछ अच्छा है नहीं थ्रिलर पॉइंट, सेकेंड हार्ट में इतना बढ़िया थ्रिलर सिक्वेंस है ना कि तुम लोग बोल जाओ। अरे इस मूवी में नेगेटिव तो है ही, अगर नेगेटिव की बात की जाए तो नंबर वन नेगेटिव है इसका फर्स्ट साल भी बोरिंग। हाँ दोस्तों, इस मूवी का एक ही नेगेटिव चीज़ है और वो है फर्स्ट साल की बोरिंग, पर नहीं वो ये मूवी उतना ज़्यादा कुछ बुरा तो नहीं है। मैं इस मूवी को देखा 3 out of 5 star। अगर तुम लोगों ने इस मूवी को देखा है तो तुम लोग ऐसे लगा कमेंट बता देना। मिलेंगे दोबारा एक मूवी के साथ, तब तक के लिए बाय।